हेलो गाइस, मैं हूं आशुतोष। स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंजीनियर पर। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे BCECE के लेटरल एंट्री के बारे में। तो BCECE के लेटरल एंट्री के थ्रू तीन कोर्सेज इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल और बी फार्मेसी में द्वितीय वर्ष में एडमिशन होता है, जिसका प्रवेश परीक्षा जो है BCECE ही करवाता है और उसका रैंक कार्ड वगैरह पहले ही जारी कर दिया गया है। आज एक नोटिफिकेशन आया हुआ है उसके अंतर्गत, तो चलिए देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपना क्रोम टैब ओपन करेंगे और BCECE का वेबसाइट ओपन कर लेंगे। ये रहा BCECE.bihar.gov.in का ऑफिशियल वेबसाइट। इसके ओपन होते ही ये देखिए हमारा जो लेटेस्ट अपडेट वाला सेक्शन नोटिफिकेशन का होता है, उसमें हम जाएंगे और ये चार नंबर का जो हमारा नोटिस है इसको ओपन कर लेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि BCECE में इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी में द्वितीय वर्ष में एडमिशन होता है, तो चलिए इसके इंपॉर्टेंट डेट्स को देखते हैं कि क्या है और प्रोसीजर्स क्या है। तो ये देखिए सीट मैट्रिक्स कल का ही अपलोड कर दिया गया वेबसाइट पे, आप चेक कर सकते हैं कि किस कॉलेज में कितना सीट लेटरल एंट्री के लिए अलाउड है और खाली है। उसके बाद देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और च्वाइस फिलिंग जो है सीट अलॉटमेंट के लिए, वो 8 जनवरी 2021 को शुरू हो जाएगा और 12 जनवरी तक आपको इसको लॉक कर देना है। फर्स्ट राउंड का जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट होगा वो 15 जनवरी को आ जाएगा और जो आपका फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट ऑर्डर है उसको 15 जनवरी 2021 को ही डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद भी आप डाउनलोड वैसे तो कर सकते हैं। आपका जो फर्स्ट राउंड का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 16 जनवरी से 19 जनवरी के बीच में होगा। सेकेंड राउंड की वही बात करें तो उसका जो सीट अलॉटमेंट होगा वो 23 जनवरी 2021 को हो जाएगा और डाउनलोड भी आप उसी दिन से कर सकते हैं और 24 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक, यानी आपको लास्ट राउंड में दो ही दिन का मौका मिलेगा, 24 और 25 जनवरी तक आपको एडमिशन करा लेने होंगे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो मैं अभी बताने वाला हूं और इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो ये देखिए मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र, मूल अंक पत्र और मूल औपबंधिक प्रमाण पत्र जन्म तिथि प्रमाण हेतु। तो आपको देखिए क्या क्या देना है, मैट्रिक का एडमिट कार्ड, मार्कशीट और जो आपका सर्टिफिकेट होगा मैट्रिक का। तो आपको इंटरमीडिएट BSc या फिर आपने यदि कोई डिप्लोमा किया हुआ त्रिवर्षीय, मतलब 3 साल का डिप्लोमा किया, तो उसका एडमिट कार्ड, मूल प्रमाण पत्र और आपको अंक पत्र यानी कि मार्कशीट देना पड़ेगा। इसके बाद देखिए बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि BCECE का आपने जो एग्जाम दिया होगा लेटरल एंट्री वाला, उसका एडमिट कार्ड, उसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र और उसके बाद यदि आप पे कोई अलग से कोई कोटा लागू हो रहा था उसका सर्टिफिकेट, आधार कार्ड का एक कॉपी, BCECE लेटरल एंट्री का जो एप्लीकेशन जब आपने भरा होगा उसका पार्ट ए और पार्ट बी, उसके बाद जो आपने रैंक कार्ड डाउनलोड किया होगा लेटरल एंट्री का उसको, और उसके साथ साथ आपको अपना प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर और वेरिफिकेशन स्लिप डाउनलोड करके ले जाना होगा। तो आपका जैसे ही शुरू हो जाता है रजिस्ट्रेशन और च्वाइस फिलिंग, वैसे ही मैं एक वीडियो बना करके आपको दिखा दूंगा कि कैसे करना है। यदि आप चाहते हैं कि हम आपका काउंसलिंग करें तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट इन्फो दिया हुआ है और फर्स्ट 5 व्यूअर्स जो क्लेम करेंगे कि उनका हम काउंसलिंग करें तो उनके लिए ये फ्री ऑफर है। बाकी उसके बाद के जो लोग कांटेक्ट करेंगे हमसे उनके लिए हम एक मिनिमम चार्ज रखे हुए हैं। धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करें। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपना बहुमूल्य सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।